सौ फीसद सादिक आती है न लाइक न अहल और लोटे नुमा शख्स दोस्त मजारी डिप्टी स्पीकर पंजाब की बाईस जुलाई की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है हमजा शिबाज अब वजीर नहीं रहे देखा जाए तो हमजा कुकड़ी कभी पंजाब का वजीर आला बना ही नहीं था फिर भी इस शख्स ने दो बार हलफ उठाया और दो बार ट्रस्टी वजीर आला बना रहा पहली बार ये तहरीक इंसाफ के पच्चीस लोटो के वोटो ऐसी वजीआला का टैग लगवाने में कामयाब हो सका तहरीक इंसाफ और काफली के साथ साधम की वजह ऐसी इसका इंतब असम्बली की प्रेस गैलरी में मुनद हुआ जिसके लिए पुराने जमाने की शादियों में इस्तेमाल होने वाला लाउड स्पीकर इस्तेमाल किया गया इन पच्चीस लोटों के अदालत ऐसी फारिग होने के बाद इंत का नया सिलसिला चला जिसमे मिसाली धांधली के बाद इसकी जमात चार सीटें हासिल कर सकी दूसरा इजलास बाईस जुलाई को हुआ जिसमे एक बार फिर हमजा कुकड़ी ने शबुखून मारा और परवेज इलाही के वोट ज्यादा होने के बावजूद इनकी कुर्सी आरोप काबज होकर बैठ गया इसका कब्जा दे कर हक का गाना याद आता है ये मस है कोई खेल नहीं मेरा देश तेरी रख खेल नहीं तुम बिक जाते हो मंडी में कप्तान मेरा फोर सेल नहीं इसके टाइगर्स फोर सेल नहीं नीचे उतरो कुर्सी से नीचे उतरो मसन से डटाई और बेशर्मी की आला मिसाल ये हमजा है आज 22 जुलाई को पूरी कौम के असाब का इम्तिहान लेने के बाद बिल्ला के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना ही दिया जिसके मुताबिक दोस्त मजारी की रूलिंग मुस्रद करार दे दी गयी और प्रवेश जिला वजीर को का ओहदा दे दिया गया हमजा कुकड़ी को फौरी तौर आरोप वजीलाउस ऐसी निकलने का हुक्म दे दिया गया परवेज इलाही को रात साढ़े ग्यारह बजे तक हलफ उठाने की हिदायत की गयी इतला के मुताबिक परवेज इलाही गवर्नर हाउस के बाहर पहुँच गए हैं इनके मेहमान भी इनके साथ वहाँ पहुँच चुके हैं मगर गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद है नो लीग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जिस कदर पस्ती में उतर सकती थी वो उतर गयी ये गवर्नर भी इनका ही लगाया हुआ है मरियम और बिलावल समेत नो लीग ने अदलिया की तुहन में कोई कसर नहीं उठा रखी इसके बावजूद दस साल के लिए ना अहल इस औरत पर कोई तो इन्हें अदालत का केस नहीं बनाता और न ही इसकी जमानत मंसूख की जा रही है गरीब के लिए इस मुल्क में कोई और कानून है जबकि इलीट के लिए कोई और कानून है फिर भी मरियम बीबी खुद को इनकलाबी साबित करती हुई इमरान खान का बयान करता हजरत अली रजील्लाहों का कोल चोरी करके कहती है की कुफर का निजाम चल सकता है मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता मुझे पक्का यकीन है की मरियम को नहीं पता की कि ये किस खलीफा का कोल है आज की तारीखी ज़िल्त और रसवाई देकर इस मौके आरोप दिल बेख्तियार चाह है की एक बार फिर कहो हमजा कुकड़ी और फिटे मु तुम्हारा अंगूर खट्टे हैं की मिसाल तुम पर बिल्कुल ठीक पूरी आती है वजारते आला की कुर्सी तुम्हारे लिए खट्टे अंगूर बन चुकी है पिछले तीन माह से इस कुकड़ी नुमा शख्स ने पंजाब की हुकूमत को यरगमाल बनाया हुआ था ये शख्स और इसके सारे हरबे इसे स्टेटस को साबित करते हैं ये और इसका पूरा टब्बर इस गलत फहमी का शिकार है की पंजाब इनकी रियासत है ये और इसका खानदान ही सिर्फ इस रियासत पर हुकूमत करने का हक रखते हैं जमूरियत किस बला का नाम है लोगों के हकूक किस खेत की मूली है ये लोग बिल्कुल भी नहीं जानते इनके अमाल से तो कम अज कम यही जाहिर होता है इस पर मरियम नानी ट्वीट करके अदालतों पर रोब जमाती है और बिलावल फरहतुल्ला बाबर का ट्वीट रीट्वीट करता है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार महदूद करने चाहिए सारे चोर अदलिया के खिलाफ एक हो गए हैं। पंजाब के तीन माह के हुकूमती मामला देकर कासिम जलाली का ड्रामा बाब बाहजा होशियार याद आ जाता है जहाँ नालय तरीन हुबिज थे और इंसाफ का जनाजा निकला हुआ था कासिम जलाली ने तंजो मजाक मीठी गोलियों में लपेट कर हकाई की कुकेन वाली तल्ख गो गोलियां खिलाई थी दर हकीकत इन लोगों को खुद पर शर्म नहीं आती इनके करतूत ना तो इनके जमीर मलामत करते हैं और ना ही इन्हें आईने से नजरें चुराने पर मजबूर करते हैं तीन माह की इस हुकूमत ने नूली की रही सही साग को लक्ष्मी चौक में दफन कर दिया है हमजा कुकड़ी तख्त लाहौर से ही नहीं उतरा बल्कि लोगों के दिलों से भी उतर गया है तारीख गवाह है की पटवारी मिठाई गलत वक्त पर और जूते सही वक्त पर खाते हैं हमजा को चाहिए की अब कोई अपना जती कारोबार शुरू करने और अगर कोई कारोबार नहीं मिल रहा तो शेरवानी किराए पर दस्तियाब है का बोर्ड लगा कर बैठ जाए कम अज कम इस एक तरीके ऐसी तो ये कुकड़ी इस तमाम के काम आ ही सकता है हमजा कुकड़ी की शेरवानी किराए आरोप दस्तियाब है जो चाहे किराए आरोप हासिल कर सकता है भाई के वलीमे आरोप दोस्त के निकाह आरोप कॉलेज के फंक्शन आरोप शेरवानी दस्तियाब है कुछ भी हो बेजती बहुत शानदार हुई है इसकी मेरा ख्याल है की मिया साहब कुछ दिन हमजा को अस्पताल में दाखिल करवा दे कहीं बेचारे को मिर्गी के दौरे न पड़ने लग जाए और वो अल्लाह दिता पैपसी की तरह डांस के नाम आरोप उल्टी सीधी हरकते करने लग जाए और चीखे भी वैसे ही मारने लगे वैसे तुम तो तो इससे ज्यादा के हकदार हो वैसे शदीद खदशा है की डिप्रेशन के शदीद दौरे के बाद मियाँ साहब को हमजा की लाफिंग थेरेपी भी करवानी पड़ेगी कुछ रोज बाद पता चले शोर के मारे हमजा हसना भूल गया है डॉक्टर इसे आईने के सामने खड़ा करके इसे होंड फैला कर मुस्कुरा सिखा रहे हो लगे हाथों लोग छोटे मियाँ को इस्लामाबाद का मेयर मुंतब होने आरोप भी मुबारकबाद देते जा रहे हैं क्यूँकी अब छोटे मियाँ सिर्फ इस्लामाबाद के हुक्मरान रह गए हैं और इख्तियारा इनके मेयर ऐसी भी कम हो गए हैं जैसी नियत वैसी मुराद शोर रास्तों ऐसी पाकिस्तान की इतदार के एवानों में दाखिल होने वाले इम्पोर्टेड जलील और खुआरों को रह गए हैं जालिम और बेहिस हुक्मरान एक सौ बीस दिन तक सिर्फ इधारों को कमजोर करते रहे इनके दिन रात अपने इकतदार को तवालत देने की कोशिशों में गुजर गए। कुकड़ी की हुकूमत अपने ही वजन से गिर गयी अब कानून अपना रास्ता बनाएगा सबसे पहले इस कुकड़ी आरोप पर जो पर्दे जुर्म आयद होनी थी इस आरोप अमल दरामद होना चाहिए क्योंकि जब भी अदालत की जानब ऐसी मुसूफ को हाजिरी का ऑर्डर मिलता था वो कार्य सरकार में मसरूफियत का बहाना भिजवा देते थे अब अदालत सम्मान जारी करे और जब तक चाहे इसे अपने पास रख सकती है क्योंकि अब सरकार ने इसे उठाकर बाहर फेंक दिया है अब इसकी असल जगह जेल है कभी भी जमहूरी तरीके से मुंतखि ना होने वाले इस शख्स की तस्वीरों के बैनर से वजीरिया लाहौर से लेकर माल रोड लाहौर तक सारी सड़कें भरी होती थी और अब इन शाहराओं को भी इस शख्स की बूथी ऐसी निजात मिलेगी मॉडल टाउन के रास्ते ब्लॉक करके भी अवाम की जान को अल्जाम में डाला हुआ था अब रास्ते खुलेंगे और अवाम सुख का सांस लेगी प्रोटोकॉल के नाम आरोप सड़कें ब्लॉक करना और अवाम का वक्त करके बादशाही के मजे लूटने का वक्त हुआ चाहता है लाहौर के अवाम कुकड़ी से निजात पर योम तशक् मना रहे हैं मिठाइयाँ बांटी जा रही है हर हाँ तरफ खुशियाँ मनाई जा रही है जब पूरी कौम फैसले के इंतजार में सू कर कांटा हो रही थी उस वक्त इमरान खान बनी गाला के तूलो अर्ज में वाक कर रहे थे इन्होंने इस वाक के दौरान अड़तीस बांस के पौधे लगाए शायद इन्हें डर हो के सोलह जमातों का गंध साफ करने के लिए कहीं बांस कम न पड़ जाए रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो रहा है इम्पोर्टेड को लाने वाले भी इनसे तंग हैं। हम हमजा का नया अबू जर डारी कल ऐसी नवासी की साल गिरा की गोली कराकर दुबई भाग गया है हमजा का दूसरा अबू दोस्त मजारी भी कहीं फरार हो चुका है न जाने इसे जमीन गई या आसमान निकल गया अदालत ने भी फिर दोबारा मुसूफ को याद नहीं किया हमजा का तीसरा अबू मौजूद है मगर हमजा ने इसे अपने सामने आने ऐसी सख्ती ऐसी मना कर दिया है ये कहते हुए की जब हुकूमत नहीं दिला सकते तो पैदा क्यों करते हो फजलू ने जो जमीन गर्म की थी इस पर कुकड़ी अच्छी तरह रोस्ट हो गयी है आप पटवारी कुकड़ी की पोटे और टांगे खाने के लिए एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं वैसे अब पटवारी सुधरते जा रहे हैं इन्होंने नारा लगाया है कि बिरयानी नोंगली की वोट इमरान खान का हालात को देखते हुए तलत हुसैन जैसे सिफारिशों और खुशामदियों ने अपनी खुशामद के जोहर दिखाने शुरू कर दिए हैं इसने अपने ट्वीट में कहा मरियम नवाज ने आज अपनी तमाम सियासी तकालीब का खुलासा बयान किया निजाम ने इनके साथ जो भी किया वो अब खुल सामने आ गया है मगर इनके खानदान का अपना पर्द कुछ अरसा पहले तक पिंडी और अपारा के सामने इमरान खान से बढ़कर नवाज शिफ को तुन के रखने की मुहिम चलाता रहा यानी घर को आग लग गई घर के चिराग से इसके कहने के मुताबिक शेबाशिफ अपने भाई और भतीजी के खिलाफ मुहिम जोई करते रहे इन लफाफों ने सच में कुछ सस्ता नशा कर रखा है इस मुल्क को दोनों भाइयों ने मिलकर तबाह करने के बाद गुड काप बैड काप खेलना शुरू कर दिया है जैसे ये कुम रोटी को चूची कहती है सबको पता है की लंदन प्लान में सारी की सारी नू लीग ने मिलकर पॉलिसी बनाई थी के एक प्रो इस्टिशमेंट काम करेगा और एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट काम करेगा मरियम साहिबा ने खुद तो जुबान इस्टेब्लिशमेंट के बूटों पर रखी हुई है मगर अपने चेले छोड़े हुए हैं जो स्टेब्लिशमेंट को धमकियां भी लगा रहे हैं और गालियां भी दे रहे हैं कम और नीच लोग इसी तरह खुद से नेकी करने वाले के साथ पेश आते हैं इनका ये रवैया पहली बार नहीं है जबकि नूली प्रो सहाफी नई तैयारी के साथ मैदान में आकर इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं अदालत के बायकॉट पर वो अदालत की तोहिन का सवाल नहीं उठा रहे बल्कि हामिद मीर कह रहा है की इन्हें अक्टूबर और नवम्बर का महीना गुजार कर इलेक्शन में जाना चाहिए इसीलिए ये लोग डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वाला मामला सितंबर तक ले जाने के मंसूबे बना रहे थे ताकि सितंबर तक हमजा की हुकूमत कायम रहती और अंदर खाते ये खुद को मजबूत करते रहते जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोलिक से सीखना चाहिए कि किस तरह अदालती कार्रवाई को लटकाया जाता है किस तरह इनके ओछे हथकंडों से कार्रवाई पर असर अंदाज हुआ जाता है किस तरह अदालतों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़द की जाती है किस तरह अदालतों का बायकॉट किया जाता है थैंक्स